आप सभी को स्वागत है अरुण भूमि न्यूज चैनल पे। जो भी अरुण भूमि न्यूज चैनल देखते हैं, आप सभी को नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए तगिन कम्युनिटी के सीधोनी फेस्टिवल जो है यहाँ पे गोल्डन सेलिब्रेशन हो रहा है। यानी कि यहाँ पे जो है इस बार 2 तारीख से 9 तारीख तक, यानी कि करीबन 1 हफ्ता का कार्यक्रम है, जो कि एकदम दापर जो हेडक्वार्टर में एकदम मेगा एक सेलिब्रेशन किया जा रहा है। जो अभी दापोरिजो में नहीं है, विटनेस कर रहा है, तो विटनेस करने मन है तो आप सभी को मैं बताने की कोशिश करूंगा। और यहाँ के कमिटी से भी मैं जानकारी लेना चाहूंगा, विटनेस करना चाहता है दापो में गोल्डन जुबली सी धोनी सेलिब्रेशन के लिए, मैं आपको जानकारी पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और जो भी यहाँ पे आप मेरे बैकग्राउंड में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी ये है नामलोस यानी कि जो यहाँ के TCBO तगिन कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी TCBO है, वो लोग जो है एक एक अपना नामलो यानी कि जो घर है, घर बनाया है, जो जिस जहाँ गेस्ट जो भी हो, जैसे भी हो, अब गेस्ट जो है यहाँ पे नामलो पे आके विटनेस कर सकता है। और यहाँ के हमारे नामलो बनाने का मेन मुद्दा ये है कि आप यहाँ के हमारे तगिन जनजाति कैसे घर बना के रहते हैं और उसको युवा और गेस्ट लुक को बताने की कोशिश कर रहा है। तो आप लोग यहाँ पे किसी भी नामलो में उत करके जो गेस्ट लुक जो है आप लोग जो है देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे भी बहुत सा स्टॉल भी बनाया गया है, जो यहाँ स्टॉल में आपको तगिन समुदाय में जो काते जैसे काते हैं, अब लोकल डिशेज बहुत मिलेंगे और वेस्टर्न डिश भी मिलेगा इस बार स्टॉल में, जितने भी हो सकेगा, जो मतलब आप सबको लुभाने की कोशिश करेंगे। सी धोनी ग्राउंड के एक नामलो पे मैं आया हुआ हूँ, जो कि यहाँ के नामलो किसे बनाया है, ये मतलब हम लोग का लोकल में नाम भी बोलता है, घर ना, घर को हम लोग नामलो भी बोलता है। तो यहाँ एक नामलो को मैं विजिट कर रहा हूँ, तो आप लोग से मैं नामलो के बारे में और इस आने वाले सी धोनी के बारे में कुछ जानकारी आप सब तक मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और सबसे पहले आपका नाम? नमस्कार, अरुण भूमि, आपके माध्यम से मैं बता दूँ, मेरा नाम पवम तमिन, मैं तमिन इलाइट सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी, और इस बार के गोल्डन जुबली सी धोनी सेलिब्रेशन का मैं असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी प्रोटोकॉल हूँ। अच्छा, ये जो आप जो है इस सेलिब्रेशन का एग्जीक्यूटिव मेंबर भी है, जो कमिटी के अंडर में आता है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा जानकारी लेना चाहूँगा। जो हमारे अरुण भूमि न्यूज़ चैनल को देखते हैं, उन सब को जानकारी के लिए शॉर्ट में आप जो है यहाँ जो आने वाला सी धोनी यानी कि 2 तारीख से 9 तारीख तक ना, यानी कि आज आरंभ है। और इसमें जो मैं थोड़ा सा जो अभी यहाँ पे दापो नहीं पहुँच पाया है, उनको थोड़ा जानकारी दे दीजिए कि ये टेंटेटिव प्रोग्राम आपका ये सी धोनी 2 तारीख से 9 तारीख तक, इतना दिन तक का कुछ तो कार्यक्रम होगा, उसका टेंटेटिव आप थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए। हाँ, शुक्रिया। टेंटेटिव इस प्रकार है, 2 तारीख के मॉर्निंग यानी कि आज के दिन सुबह से लेके या ग्राउंड पे लगा हुआ है प्रोग्राम जो है, और शॉर्ट नोट में मैं बता दूंगा कि डिटेल में जाने से काफ़ी वक्त कंज्यूम होगा, इसीलिए मैं बता दूं कि आज 2 तारीख के दिन पुनंग त्रुप आए थे, और देन जो लिटरेरी और स्पोर्ट गेम्स एंड स्पोर्ट का कंपटीशन वगैरह था वो आज हुआ, और शाम को जो है म्यूजिकल नाइट है। म्यूजिकल नाइट स्पेशली जो हमारा तगिन का ये जो सिंगर्स है, जो भी आर्टिस्ट हैं, जो मंजावा आर्टिस्ट या यंग स्टार आर्टिस्ट जो है आज परफॉर्म करेंगे, और साथ ही साथ कुछ पोनुंग टीम है जो कंपटीशन पार्ट नहीं है, लेकिन एज ए एंटरटेनमेंट में जो है काफ़ी कुछ डांस भी आज के नाइट में जो है म्यूजिकल नाइट में होंगे, और शायद उसी नाइट का शायद मैं एंकरिंग भी कर सकता हूँ, ऐसा प्रपोजल है। और दूसरा 3 तारीख के दिन में जो है हमारा इस बार के गोल्डन जुबली के युवा आएंगे, उसका रिसेप्शन 2 बजे होंगे, और वो रिसेप्शन जो है हमारा गिंची गेट यानी कि सिगिन
गिंची जो है नदी एक है वो सिकरजो के सामने में, वहाँ पे वेलकम होंगे। और चार तरह के शाम को, चार तरह के दिन को भी कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होगा या मोमेंटोस वगैरह जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है होंगे, प्राइस वगैरह होगा डिस्ट्रीब्यूशन। एंड देन शाम को हमारा सीबीओ जितना भी अरुणाचल में कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है उनका प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो भी रिप्रेजेंटेटर है वो विजिट करेंगे। और उनके आने पश्चात जो है वो हमारा जितना यहाँ में ट्रेडिशनल हाउस जो है बनाया, लोकल ट्रेडिशनल हाउस बनाया है, यहाँ विजिट करेंगे। एंड देन उनका शाम चार तरह के शाम को उनका टीसीबीओ का नाइट होगा। और तीन तरह से हमारा शाम को ये मिस सी धोनी का कंपटीशन स्टार्ट होगा, चार तरह को भी होगा और वो पाँच तरह को फाइनल उसका होगा। तो सीबीओ को एक चार तरह का सी धोनी का वो मिस सी धोनी का कंपटीशन का पार्ट को उनको विटनेस करने देंगे और काफ़ी वहाँ में म्यूजिकल नाइट भी होगा। और पाँच तारीख के दिन हमारा न्योमिन सोमिन आलू हुआ करता है, एवरी हमारा सी धोनी सेलिब्रेशन में यही प्रैक्टिस है। वो उसमें हमारा तागिन कल्चरल सोसाइटी का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को बुलाया जाता है और उसका एग्जीक्यूटिव आते हैं और जितना कमिटी मेंबर रह के वहाँ में जो भी डांस गाना प्रोग्राम जितना भी होगा पाँच तारीख के दिन में होंगे। और शाम के वक्त हमारा इस बार के गोल्डन जुबली के चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर यानी कि हमारा ऑनरेबल सीएम साहब और ऑनरेबल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजिजू साहब दोनों को जो है यहाँ रिसीव करेंगे। और रिसीव करने के बाद उनका टेंटेटिव तो यहाँ टीसीबीओ का जितना भी ट्रेडिशनल हाउस बनाया है यहाँ विजिट करने का तो है, अगर वक्त रहा तो उसके बाद उसका पाँच तारीख के शाम को उनका नाइट होगा। और उसमें हमने इंडियन आइडल 13 जो विनर है वो उसको यहाँ मैंने एज ए आर्टिस्ट बुलाया है, वो परफॉर्म करेंगे सीएम और हमारा रिजिजू के सामने। और वहाँ काफ़ी बढ़िया से म्यूजिकल नाइट होगा पाइप के नाइट को। और 6 के मॉर्निंग को जो है सब पुनुंग टीम जमा होंगे और पुनुंग डिस्प्ले होगा जो करना होगा जो एवरी ईयर सी धोनी में जो होता है वो करेंगे। इसके बाद वहाँ हमारा चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर आएंगे, आके वो जो जितना भी जो प्रोग्राम चलना है चलेगा। इसके बाद शाम के वक्त जो है 1 या 2 बजे के समय में जो है हमारा मिथुन सेक्रीफाइस होगा और उसका बाद हमारा चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर चले जाएंगे, उनको सीअप कर देंगे। इसके बाद शाम को म्यूजिकल नाइट होगा, 6 तारीख का शाम को म्यूजिकल नाइट होगा और उन्हें उनका उनको करेंगे हमारा जो है तगिन के टॉप फाइनलिस्ट 5 जो हमारा बहन भाई जो तगिन का एक आइडल कंपटीशन हुआ था उसी का टॉप 5 परफॉर्म करेंगे उसी 6 तारीख के शाम को उनका नाइट है। देन 7 तारीख को हमारा यहाँ इस बार गोल्डन जुबली है इसलिए प्रोग्राम को थोड़ा लंबा लेके गया है, तो 7 तारीख को हमारा कम्युनिटी फीस्ट होगा दिन को। और शाम के समय लव इन 90s मूवी को जो है शो किया जाएगा। और 8 तारीख को हमारा सी धोनी हिलो का न्यूबो को हम लोग सी ऑफ करेंगे। उसके बाद 9 तारीख को हमारा फाइनली रिगा गामा जो इंड अप प्रोग्राम होता है, मतलब एक हम लोग का रिचुअली प्रैक्टिस का, तो रिगा गामा हमारा 9 तारीख को होगा। और इस बार का सी धोनी का प्रोग्राम इस प्रकार है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा इस बार जो है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में मिस सी धोनी का कंपटीशन भी हो रहा है, तो मैं आपको यहाँ के जो सिलेक्टेड मिस सी धोनी मेरे बैकग्राउंड में आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो है मिस सी धोनी भी इस बार 3 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक जो है मिस सी धोनी एवरी नाइट जो है कंपटीशन होगा। और उसके साथ में आज यहाँ पे जो 2 तारीख जो अभी 2 तारीख से लेकर 9 तारीख पहला दिन को मैं आप सबको सी धोनी के हार्दिक शुभकामनाएं के साथ में यहाँ के आज के कार्यक्रम जैसे कि आर्चरी कंपटीशन हो रहा है आप लोग इसको भी देख सकता है। ये हमारे लोकल हमारे तगिन कम्युनिटी जमाना में जो है उसका वेपन जो है सिर्फ ये जो तीर धनुष मारते थे तो उसका जो है उसको प्रिजर्व करने के लिए यंग जनरेशन को
आर्चरी कंपटीशन भी हो रहा है। और मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे जितने भी नामलो हैं, नामलो को मैं हमारे बैकग्राउंड में देखिए और वीडियो में दिखाना चाहूँगा। हर नामलो, सब नामलो जो है, सब नामलो को मैंने आपको दिखाया है। जैसे कि आपको एग्जांपल कहा जाए, यहाँ पे है तमिन नामलो जो कि तमिन इलाइट सोसाइटी के लोग है, यहाँ पे रहरी नामलो जो कि रहरी वेलफेयर सोसाइटी के है, और बहुत सा है। मैं आप सबको यहाँ पे बैनर को मैंने डिस्प्ले किया है, उसमें आप देखने को मिलेगा हमारे तगिन जनजाति में, तगिन कम्युनिटी में कितना TCBO है। आप लोग जो है ये बैनर को पढ़ के देख के आप लोग पता चल जाएगा। ये जो है सभी TCBO लोग जो है मिलकर इस बार जो है मेगा सीधनी को कल 3 तारीख को प्रिस्त पुजारी जो कि आएंगे, पुजारी को सभी मिलके जो है रिसीव करने के बाद कल से जो है रिचुअल चैंटिंग भी कल शुरू हो जाएगा। जो रिचुअल चैंटिंग जो एग्जैक्टली कहा जाए तो 3, 4, 5, 6 इस बार 4 दिन जो है रिचुअल चैंटिंग करेंगे, और इसके बाद सेक्रीफाइस, मिथुन सेक्रीफाइस करते हैं हमारे नामलो में। जब पूजा ख़त्म होने के बाद मिथुन सेक्रीफाइस करता है, वो जो है 6 जनवरी में होगा, उसको भी आप लोग विटनेस कर सकता है। और साथ में जो है आप इस बार जो है गोल्डन जुबली होने के कारण से इस बार जो है 6th में एक्चुअल में हम लोग का पूजा जो है खत्म हो जाता था, सीधोनी फेस्टिवल 6th, लेकिन इस बार जो है 9 तारीख तक का कार्यक्रम बनाया गया है, क्योंकि इस बार गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है जो कि तगिन कम्युनिटी लोग जो है सीधोनी को जब शुरू किया था 1975 लेट पोपक बागे लुक के समय पे, तो इसीलिए जो है इसका 50वीं साल है, इसीलिए इस बार दापुर जो में धूमधाम से 9 दिन गोल्डन जुबली मनाया जाएगा। और एक बात है कि आप लोग यहाँ पे फूड स्टॉल को भी मैंने बैकग्राउंड पे दिखाया, जितने भी फूड स्टॉल आपको दिखा रहा है, जो जितने भी फूड स्टॉल को अलग अलग नाम रखा गया है, जो कि हमारे जो पुराने 1975 में जो सेलिब्रेशन की कमिटी थे उस समय को पूरा दिखाने की कोशिश किया है। और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, जो मैंने एक बैनर डिस्प्ले किया था वो है मिथुन डोनर। जितना भी मिथुन जो है सीधोनी में एवरी ईयर एक मिथुन दो मिथुन सेक्रीफाइस करते हैं, तो उसको जो मिथुन डोनर को जो सेक्रीफाइस किया था उसको भी एक डेडिकेशन करके एक बैनर में डिस्प्ले किया गया है। इस सीधोनी को विटनेस करने के लिए तगिन कम्युनिटी की तरफ से सभी जितने भी अरुणाचली है, जितने भी सीधोनी को हमारे कंट्री बोलो, हमारे राष्ट्र हो, हमारा स्टेट हो, जितने भी व्यूअर है अरुण भूमि के, आप लोग जो विटनेस करना चाहता है तो दापोरिजो पे आके जो है आप विटनेस कर सकता है। 9 तारीख तक जो है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन होगा, इसलिए ये जो है बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है तगिन समुदाय के। इसी के साथ जो टीम अरुण भूमि को देखते हैं, प्यार करते हैं, मैं ताय पातुम तमिन दापोरिजो से आपको विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।